स्किन रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हैं आपको, आप अपने स्किन को क्लियर करना चाहते हैं, आप अपने ब्यूटी को एनहेंस करना चाहते हैं, तो आज मैं एक ऐसी आर्केंजल के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी जो ब्यूटी है उनको एनहेंस करने में हेल्प करती हैं। तो उन आर्केंजल का नाम है आर्केंजल ज़ोफियल। ठीक है, ये पूरे वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपके कोई भी स्किन का इशू है, आपकी ब्यूटीनेस का है, आप अगर हेयर ग्रो करना चाह रहे हैं तो कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस आर्केंजल ज़ोफियल की मदद से। ठीक है, तो वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा, एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम सुरभि है एंड मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल हीलर एंड उसुई रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। सो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो आर्केंजल है इनके साथ आप जब काम करेंगे तो आपके स्किन रिलेटेड, आपके ब्यूटी रिलेटेड जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चुटकियों में जब आप इनसे काम करेंगे, इनके साथ काम करेंगे, इनकी प्रेयर को बोलेंगे, आप इनके साथ मेडिटेट करेंगे, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्केंजल ज़ोफियल को क्यों बुलाया जाता है। तो जैसे मैंने बताया, आपका अगर कोई भी फेयरनेस के लिए, कोई भी अपने स्किन केयर के लिए आप अगर इनको बुला रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, तो ये आर्केंजल ज़ोफियल को आप बुला सकते हैं। अगर आपके घर को क्लीन करना है, आपको चीज़ों को डिक्लटर करना है, आपको स्पेस बनानी है, आपके घर में जॉय को मैनिफेस्ट करना है, तो आप आर्केंजल ज़ोफियल के साथ काम कर सकते हैं। आर्केंजल ज़ोफियल की कलर है येलो लाइट कलर। ठीक है, एक रे होती है वैसे आप उन्हें देख पाएंगे। ऐसे तो हर एक एंजल्स का, हर एक पर्सन के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है, लेकिन जब कॉमनली हम देखते हैं तो आर्केंजल ज़ोफियल हमेशा येलो लाइट रे में ही दिखते हैं। एंड जब भी आप उनको इन्वोक करते हैं, पता नहीं, मैं अपना बता रही हूँ, जब भी मैं उनके साथ काम करती हूँ अपने हेल्थ के लिए, अपने फेयरनेस के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए, तो मैं जब भी उन्हें इन्वोक करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा हंसी फील होता है। हंसी इन द सेंस, ऐसा नहीं, जो जॉय अचानक से जैसे उनको इन्वोक किया मुझे जॉय सा फील होता है, मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है। ये मेरी एक्सपीरियंस है जब मैं उनको बुलाती हूँ, ये उनका अंदाज है बोलने का, ये दिखाने का कि मैं आ गई हूँ। आर्केंजल ज़ोफियल ये ब्यूटी ऑफ गॉड है। ठीक है, तो जब भी आप इनको इन्वोक करते हैं आपका जो रूम है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। कैंडल्स लगाइए, कैंडल जलाइए एंड उसके बाद उन्हें इन्वोक कीजिए। आपका क्लीनलीनेस के लिए, अगर आप उनको क्लीनलीनेस के लिए बुला रहे हैं, आपका घर साफ सफाई करना है एंड उस पर आप उसके बाद उनको बुला रहे हैं कि कुछ ऐसा करो कि मेरा घर क्लीन हो जाए, तो वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगी जिसमें आपका घर पूरा साफ आप खुद ही कर दोगे रात को उठकर। मेरा इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मुझे घर की साफ सफाई करनी थी, लेकिन मुझे बोलते ना वो ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं साफ सफाई करूँ, ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा था। ऐसा सोचते ठीक है कल। मैंने कुछ कैंडल नहीं बर्न किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट अपने माइंड में आर्केंजल ज़ोफियल को याद किया। मैंने बोला, जैसे मैं एंजल से इस तरीके से बात करती हूँ जैसे कि वो मेरे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, मैं कोई भी काम करते करते बात कर ली कि एंजल्स मुझे ये चाहिए, एंजल्स मुझे वो चाहिए, ये मेरा चीज कहाँ रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से मेरा रिलेशन है मेरे एंजल्स के प्रति। सो, मैंने ऐसे मन में सिर्फ आर्केंजल ज़ोफियल के बारे में सोचा कि मुझे ये घर तो क्लीन करना है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो जोश नहीं आ रहा है कि मुझे घर क्लीन करना है। एंड हुआ यूं, दो दिन के बाद मेरी जो सिस्टर है उन्होंने घर पर वॉशिंग मशीन ऑर्डर दे दिया और घर पे स्पेस बनाना पड़ा मुझे काम करना पड़ा, घर क्लीन करना पड़ा, वो जो स्पेस है वो स्पेस को क्लीन करना पड़ा ताकि वो जो वॉशिंग मशीन है वहाँ पर सेटल हो सके। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मुझे फेयरनेस के लिए या मेरे ब्यूटी के लिए मुझे बुलाना मैं बुलाती हूँ तभी भी मेरा काम कुछ इसी तरीके से हो जाता है। अगर आपका स्किन में पिगमेंटेशन है, अगर आपकी स्किन में एक्नी है, तो आप आर्केंजल ज़ोफियल को बुला सकते हैं। आर्केंजल ज़ोफियल को बुलाइए, 3 बार उनका नाम लेना है, जैसे कि आर्केंजल ज़ोफियल आई इन्वोक यू, आर्केंजल ज़ोफियल आई इन्वोक यू,
आर्कएंजल जोफियल आई इन्वोक यू। इसके बाद आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप जो भी चाह रहे हैं उनको बोलिए, ठीक है। लाइक आपको स्किन स्किन केयर के लिए आप बुला रहे हैं तो उनको बोलिए, अगर आप पिंपल के लिए बोल रहे हैं तो उनको बोलिए कि प्लीज मेरे ये पिंपल्स निकाल दो, मेरी स्किन को हील कर दो, मेरी स्किन को एकदम क्लियर कर दो, मुझे ब्यूटीफुल बनाओ। इस तरीके से आप उन्हें प्रेयर में बोल सकते हैं। कोई फिक्स प्रेयर मेरे हिसाब से, मैं कभी भी एक फिक्स प्रेयर जो रटा रटा सा मैं नहीं बोलती हूँ, मेरे दिल में जो रहता है मैं वो बोलती हूँ। आई जस्ट इन्वोक देम, आई जस्ट कॉल देम, एंड उसके बाद मेरी जो प्रॉब्लम है, जो मुझे चाहिए कि वो हील होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, मैं जस्ट उनको बोल देती हूँ एंड वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। मैं कोई प्रेयर ऐसे बोलती नहीं हूँ रटा रटा ऐसा कि सेम वही लाइन में बोलूँ। मैं अपने प्रॉब्लम के प्रॉब्लम देखती हूँ कि मुझे क्या चीज़ को चाहिए, और उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ कि ये चीज़ मैं इसकी वजह से आपको इन्वोक कर रही हूँ, इसकी वजह से मैं आपको बुला रही हूँ, प्लीज़ ये चीज़ को कर दीजिए। एंजल्स को कभी भी जो है ऐसे ऑर्डर मत दीजिएगा, उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा कि प्लीज़ ये कर दीजिए, मुझे ये चाहिए, एंड उसके बाद आपको ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करना है, ग्रैटिट्यूड करना है उनको, उनको ग्रेटफुल शो करना है, ग्रेटफुलनेस कि आप उनके लिए कितने ग्रेटफुल हो, वो अपना टाइम निकाल के आपके लिए आए हैं उसके लिए आप ग्रेटफुल हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर बात की जाए आर्कएंजल जोफियल की फेवरेट नंबर की, जो हम एंजेलिक नंबर देखते हैं, अगर बात की जाए तो उनकी एंजेलिक नंबर, फेवरेट एंजेलिक नंबर है वो है 444। जब भी आप देख रहे हैं 444 यानी कि आर्कएंजल जोफियल आपके साथ है। अब बात ये नहीं है कि कभी भी आप देख रहे हैं तो आपका मीनिंग कुछ आपके स्किन रिलेटेड है, आपके ब्यूटी रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। हर समय उनका जो मैसेज पहुंचाने का तरीका होता है वो अलग होता है। आपको उनसे पूछना है साइंस के बारे में ताकि आप उस मैसेज को डिकोड कर सके, ठीक है। जब मैं एंजेलिक नंबर अब देखती हूँ तो मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ कि आप मुझे अपने प्रेजेंस का शो करें, कि आप मेरे साथ हो वो मुझे शो करें, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं इस तरीके से बोलती हूँ। तो आपकी जो राय है आप उन्हें बताइएगा, आप ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करिएगा, लेकिन उनकी जो फेवरेट नंबर है एंजेलिक नंबर वो है 444। अगर बात की जाए उनकी सिंबल की तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंबल देने वाली हूँ। ये सिंबल आप ड्रॉ कर सकते हैं उनको इन्वोक करने के लिए, एंड अगर आप नहीं करना चाहते तो वो भी कोई बात नहीं है, मैं बस आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अगर बात की जाए आर्कएंजल जोफियल की क्रिस्टल की तो उनकी क्रिस्टल है सिट्रीन, ठीक है। तो सिट्रीन अगर आप वेयर करते हैं, सिट्रीन की ब्रेसलेट अगर आप वेयर करते हैं तो ये आर्कएंजल जोफियल की ब्रेसलेट है, आप इसे वॉर कर सकते हैं, आप इसे पहन सकते हैं, ठीक है। सो यही है आज की वीडियो जो मुझे आर्कएंजल जोफियल के बारे में आप लोगों को बतानी थी। एंड अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, अपने चक्रा बैलेंसिंग के थ्रू आपकी जो स्किन प्रॉब्लम है उसे निकालना है तो आप मेरी वेलनेस वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। डिस्क्रिप्शन पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। spiritualcoachsurbhi@gmail.com इस पे आप मेल कर सकते हैं, एंड जो मीटिंग है वो लाइव होने वाली है, 10 डेज का वर्कशॉप है। अगर आपको आपकी बॉडी की कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करनी है, हेल्थ मैनिफेस्ट करना है, वेट लॉस को मैनिफेस्ट करना है, वेट गेन को मैनिफेस्ट करना है, स्किन केयर, हेयर केयर अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।